हाय फिर मैं नाम आकाश हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बैटरी बनाना बताऊंगा। गाइस देखिए, हमारे पास फ़ोन जो है वो बहुत सारे बनने के लिए आते हैं, बट कभी कभी बैटरी की प्रॉब्लम हो और मार्केट में बैटरी अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन पे आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो ओल्ड बैटरी होगी, जो कस्टमर की बैटरी होगी, उसका अगर सेल ख़राब हो गया हो तो आप उसकी स्ट्रिप को इस तरीके से निकाल सकते हो, जो मैंने यहाँ पे वीडियो में निकाला है। उसके बाद आपको जम्पर वायर लेना है। अगर आपके पास थोड़ा जाड़ा जम्पर वायर है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ इसे डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जो है ना, आपको इसे शोल्ड करना है। बहुत सारे लोग को शोल्डिंग करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे तो इस पर शोल्डिंग करने का तरीका यही है गाइस कि थोड़ा सा स्क्रैच कर लो, पेस्ट लगाओ। पेस्ट लगाने के बाद शोल्डर वायर के यहाँ से वहाँ पे टिप्स रखो, तो आसानी से जो है ना वो शोल्डिंग पकड़ लेता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, ये पकड़ नहीं रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए फटाक से इस तरीके से आपको स्क्रैच करने के बाद, देखिए यहाँ पे लेयर बनाई थी मैंने, उस लेयर पे जो है ना अब ये आसानी से स्टिक हो गया। सेम जो है आपको यहाँ पे भी करना है इसी तरीके से। और अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास स्क्रैप में जो है ना ओल्ड बैटरी जो है वो पुरानी है, जैसे समझो कि ओरिजिनल बैटरी है फ़ोन की, तो ऐसे में वो स्टील की पट्टी नहीं मिलेगी आपको, एल्युमिनियम की पट्टी मिलेगी। तो वो भी कैसे करना होता है मैं आपको इस वीडियो में एंड तक मैं बता दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखो तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट्स हो गाइस तो प्लीज़ एक बार जो है वो कमेंट कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरीके की होती है कि आप कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर समझ पाओगे। उसके अलावा अब तक आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो, ठीक है। अब चेक करते हैं इस वोल्टेज कितना है। तो अब वोल्टेज इसमें कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, तो हम क्या करेंगे इस पर जो आप बोलते हैं कि झटका मारना बैटरी को, ठीक है, बैटरी को बूस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने जब इस पर 5 वोल्ट के ऊपर दिया है वोल्टेज, तो आप देखिए 3.9 आ रहा है। तो ऐसे में फ़ोन जो है वो ऑन नहीं होगा जब तक कि ये 4.5 के ऊपर ना जाए, तब तक आपकी बैटरी 3.7 जो है वो चार्ज नहीं होती। तो थोड़ा टाइम तक लगे रहने देते हैं, और उसके बाद इस तरीके से आपको बूस्ट वोल्टेज करना होता है। जब कभी आपको बूस्ट करना हो बैटरी को तो आप ये तरीके से जो है वो बूस्ट कर सकते हो। तो देखिए 4.3 तक जो है वो पहुंच चुका है, बट अगर 4.3, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना वोल्टेज वहाँ पे सेट किया है। मेरे में शायद 5 वोल्ट की 5.9 वोल्ट होता है, ठीक है। आप 6 भी दे सकते हो, 7 भी दे सकते हो, बट मेरा मानना है कि 7 के अपो मत जाइए। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं 12 वोल्ट, तो उतना न मत कीजिए, क्योंकि इस स्ट्रिप में जो है ना कंपोनेंट लगे होते हैं जो ख़राब भी हो सकते हैं। ये जम्पर वायर टूट गया गाइस, इसीलिए मैं बोल रहा था, क्योंकि थोड़ा सा जब मैंने यहाँ पे एम्प वोल्टेज और अप किया ना वहाँ से कि ये फास्ट हो, वैसे ही वो जम्पर वायर जो है वो टूट गया, क्योंकि इस बैटरी में एम्पेयर का फ्लो अप ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आप जाड़े से जाड़ा जम्पर वायर यूज़ कीजिए। ये जम्पर वायर भी नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, बाद में मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना पतला नहीं चलता। या तो आप एयरफोन का जो अंदर का लीड होता है वायर का, वो लीड यूज़ कर सकते हो, पूरी वायर यूज़ कर सकते हो, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन होता है, वो भी जल्दी नहीं ख़राब होता, ठीक है। तो या तो फिर नॉर्मली अगर आपके पास कोई पतला वायर है जिसमें पीवीसी कोटिंग है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बट बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जाड़ा कीजिए। अब देखिए, अगर ये ओरिजिनल है तो इस पर आपको इस तरीके से टर्न करना होता है। जब आप ये टर्न करोगे ना, तो बहुत थोड़ा 2-4 बार जम्पर वायर को टर्न करना होता है, तो उसके ऊपर एक कॉपर की कोटिंग आ जाती है, फिर उसे घस के आप पेस्ट लगाइए वहाँ पे, तो वो कोटिंग वहाँ पे जाम हो जाएगी, ठीक है, जाम हो जाएगी। तो फिर आप किसी भी जम्पर वायर को, मतलब नॉर्मल पीवीसी वायर को वहाँ शोल्ड कर दीजिए, और उसके बाद आप आउटपुट बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप, मतलब ओरिजिनल बैटरी में कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ओरिजिनल बैटरी में ये तरीका काम नहीं करता। तो इस मेथड के थ्रू जब जो एल्युमिनियम की पट्टी होती है उस पर शोल्डिंग तो होगी नहीं, तो आप
कॉपर वायर को टर्न कीजिए जो आपका जम्पर वायर है, उसके बाद जो है ना आप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी इसे जो है वो ऑन कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, ओवरऑल मैं आपको ये ट्रिक्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता था जो ओरिजिनल बैटरी में यूज़ होती है। ठीक है, थैंक यू।